फ्रेंड रूट्स ट्रस्ट एवं जारा इवेंट्स द्वारा आयोजित मिस यूपी 2024 की प्रतियोगिता में शैली मिश्रा ने प्रथम स्थान पाकर जौनपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ शैली मिश्रा जी जुड़ेंगी। शैली मिश्रा जी, अरे मिस यूपी बनने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये बताइए, कैसा रहा सफर? मेरा सफर बहुत ही अच्छा रहा है। और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर मैंने कर दिखाया। अच्छा, ये बताइए, ये जो कंपटीशन हुआ था, इसमें कहाँ कहाँ के लोग आए थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितना चैलेंजिंग था? इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक ऑल ओवर यूपी से फ्रॉम एवरी सिटी सभी कंटेस्टेंट आए थे, फ्रॉम लखनऊ टू बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, हर एक सिटी से सारे लोग आए थे। और सभी कंटेस्टेंट ने अपना बेस्ट दिया। और हाँ, बहुत चैलेंजिंग था ये, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ये बताइए कि ये मिस यूपी का जो खिताब था, तो ये इसके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? इस सफर का स्टार्टिंग हुआ है 2 साल पहले से जी। जब मैं स्टार्टिंग में मॉडलिंग के फील्ड में आई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं मिस पूर्वांचल दे चुकी हूँ, और उसके बाद फिर मैंने मिस यूपी में अपना कदम रखा। मैं नेक्स्ट लास्ट ईयर 2023 में मिस यूपी रनर अप भी रह चुकी हूँ, फर्स्ट रनर अप। और उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं और अच्छा कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज मैं इस मुकाम को हासिल की हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के वजह से, फ्रेंड्स के वजह से। एंड चैलेंजिंग तो था ये। जैसे आपने बताया कि परिवार का बहुत सपोर्ट था, तो ये जैसे आपका सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरा बताएं। जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, मेरे भाई हैं डॉक्टर, और वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और अगर मेरे भाई नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मेरे भाई मेरे हर कदम पे साथ देते हैं। होता है कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन मेरे भाई हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुकाम है कि वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो ग्रेजुएशन से इस फील्ड में कब रुझान आया कि अब इस फील्ड में चलना चाहिए, या किसको इस फील्ड में अपना आइडल मानती हैं? मैं अपना आइडल ऐश्वर्या राय को मानती हूँ, जस्ट बिकॉज शी इज मिस इंडिया एंड ऑल्सो मिस वर्ल्ड। उन्होंने दोनों खिताब को अपने नाम हासिल किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप घर बैठेंगे और सोचेंगे तो आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको मुकाम हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज के बातों को झेलना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, थोड़ा उनकी बातों को जहर की तरफ पी जाना होगा। लेकिन फिर बाद में अगर आप कुछ कर देते हैं तो फिर वो आपको आएंगे सामने से कॉन्ग्रेचुलेट करने। तो बस ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। ये बताइए कि ये जो पार्टिसिपेट हुआ था, इसमें किस तरीके से लोगों ने आवेदन किया था, किस तरीके से आपको ये मुकाम मिला? मैंने अपने परिवार वालों को बताया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता था और कुछ को नहीं पता था। कुछ मजाक बनाते थे कि क्या कर रही है, कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव्स होते हैं वो मजाक बनाते थे। लेकिन कल से सबका कॉल आ रहा है, कल से बहुत लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और इस बात की खुशी मेरी पूरी फैमिली को है। मेरी मम्मी बहुत खुश हैं, मेरे भाई बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और बस समाज का काम है बोलना, और आपका काम है उनके बातों को इग्नोर करना और अपना काम करना। उम्मीद थी आपको? जी, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो मुझे उम्मीद थी अपने आप से, मुझे किसी और से उम्मीद नहीं थी, मुझे खुद से उम्मीद थी कि इस बार मुझे करना है और ये ताज अपने नाम हासिल करना है। अभी तक तो सफर मिस यूपी का था, लेकिन अब आगे का क्या ड्रीम है? आगे मुझे अपने आप पे अभी और काम करना है, अभी काफी प्रोजेक्ट्स बाकी है मेरे। जारा इवेंट के थ्रू मुझे एक एल्बम सॉन्ग का ऑफर भी आया है, तो मुझे अभी एल्बम के लिए भी प्रिपेयर करना है। और भी बहुत सी चीजें, अभी सम्मान सम्मेलन होना बाकी है, बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं, तो देखते रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। ये जो फ्रेंड्स ग्रुप ट्रस्ट एवं जारा इवेंट द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें जो भी डोनेट हुआ है वो दिव्यांग बच्चों को जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं?
ये एक समाज सेवा का काम हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और दिव्यांग बच्चों को 1 लाख डोनेट किया गया है और उनको स्टेज पे लाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। ये बहुत ही एक दयालु पूर्वक काम है जो सलमान सर ने किया है, जो ज़ारा इवेंट के पूरी टीम ने किया है। ये जौनपुर में और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सलमान शेख सर, मिनाज मैम, प्रेसिडेंट ऑफ ज़ारा इवेंट, इन सब ने ये जो काम किया है ये बहुत ही बड़ा काम है। सब ऐसा काम नहीं करा सकते हैं जी। ये बताइए, एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर PS IAS अभिषेक सिंह थे, चुनाव के बाद उन्हें एज ए चीफ गेस्ट का पहला ऑफर मिला था, पहुंचे नहीं कार्यक्रम में? जी वो आ गए थे लेकिन बारिश के वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे। बाकी बॉलीवुड सुपरस्टार्स नेहा उल्लाल के थ्रू मेरी क्राउनिंग हुई है, उन्होंने ही मुझे क्राउन पहनाया है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दिया। तो हाँ, मैम आ गई थी, बाकी सर नहीं आ पाए थे। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए मिस यूपी शैली मिश्रा, जिन्होंने अपने संघर्षों को बताया। और ये इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक प्रयास था कि अगर कोई भी कार्य आप आगे से फ्रंट होकर करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा। फिर किसी नई खबर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।